everybody, welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel again. In case you don't know me, I am Sunny Dhonkar and I study mechanical engineering at IIT Bombay. आप बोल रहे होंगे कि IIT Bombay का नाम यूज करके व्यूज छाप रहा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। So it's not like that. जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ, it requires me to be from an IIT. And before we start the video, आप पूछोगे कि ये किस चीज के लिए है? Is actually for not using you will be shocked or shocking reality in my title besides using the IIT tag. So jokes apart, let's start the video with an intro. So does IIT make you smarter? Before we get into this question, मुझे आपको एक साइंटिफिक टर्म के बारे में बताना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय द ऑथर रॉल्फ डुवेली इन हिज बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये टर्म आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स टेक ग्रूट माय फ्रेंड फॉर एन एग्जांपल। सो ग्रूट has to build up a proper body shape to impress his friends or maybe for other use. And he starts noticing different people, wo joggers, jo gym jaate, jo different sports khelte like badminton. So in sabko notice karta hai. So he has to start doing something jisse uska proper body gesture banega. So he first notices the jogger. सो जॉगर्स उससे पसंद नहीं आते क्योंकि यू नो उससे सिर्फ लेग मसल्स पे फोकस होता है एंड जॉगर्स आर अ बिट स्क्रॉनी। फिर वो साइक्लिस्ट को नोटिस करता है। सो साइक्लिस्ट सो वो भी रिजेक्ट करता है क्योंकि उनकी अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, सेम लेग्स मसल्स पे फोकस होता है एंड दे आर सो बॉटम हैवी। देन ही नोटिसेस बैडमिंटन प्लेयर्स। सो बैडमिंटन प्लेयर्स भी अपने सारे मसल्स को यूज़ नहीं करते व्हाइल प्लेइंग एंड फिर वो जो जिम जाते हैं उन्हें नोटिस करता है। वो भी उसे पसंद नहीं आता क्योंकि जो जिम करते हैं वो लाइक दे आर रियली ब्रॉड एंड ही थिंक्स दैट यू नो दैट माइट नॉट मेक हिम फील इंटेलिजेंट। सो एट लास्ट ही नोटिसेस स्विमर्स। स्विमर्स हैव परफेक्टली शेप्ड बॉडी एंड दे हैव अ रियली स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड दे आर यू नो स्लिम एंड दे आर प्रॉपर मसल बिल्डअप। सो ही thinks that he will get a lean body after he joins a swimming club and learns swimming and practice swimming every week. So Groot does that. वो हर week में 5 days, 6 days swimming करता है and practice करता है swimming for let's say 6 months, 7 months. But after that he does not notice proper changes. जब वो proper swimmers को notice करता है जो Olympics में खेलते हैं या यू नो बिग स्पोर्ट्स इवेंट्स में खेलते हैं, उनकी जैसी लीन बॉडी जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे नहीं मिलती। इवन इफ ही ट्राइज फॉर 1 or 2 years or 3-4 years ही वोंट गेट अ बॉडी लाइक दैट। दैट इज बिकॉज स्विमर्स को बॉडी अच्छी बॉडी स्विमिंग करके नहीं मिलती, इट्स द अदर वे अराउंड। उनकी बॉडी वैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, उनका फिजिक वैसा होता है, इसलिए वो अच्छे से स्विमिंग कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। सो ग्रूट नोटिस करता है कि स्विमिंग करने से उसकी बॉडी वैसी लीन नहीं होने वाली जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। इट्स एक्चुअली उसकी बॉडी वैसी होनी चाहिए थी पहले अगर उससे अच्छे से स्विमिंग करनी थी। लेट्स टेक एन इजियर एग्जांपल देन दिस। आपने फेयरनेस क्रीम की एड्स तो देखी होगी जिसमें अ फेयर गर्ल और अ फेयर बॉय इज यूज एज एन एक्टर एंड ही और शी प्रमोट्स द फेयरनेस क्रीम। क्या हुआ? तुम्हें चाहिए 9X। इसमें भी वही चीज है, वो फेयरनेस क्रीम यूज करने से फेयर नहीं हुए, वो फेयर है इसलिए वो फेयरनेस क्रीम के ऐड कर रहे। सो इफ यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी एक्टर हु प्रमोट्स दिस फेयरनेस क्रीम, ही सेज दैट मैं ये यूज करके फेयर हुआ हूँ, वो इट्स अ कंप्लीट लाई। वो फेयर फेयरनेस क्रीम यूज करके फेयर नहीं हुए, वो फेयर है इसलिए वो कास्ट हुए है वो एड में। सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में लाइक IITs और एनी अदर इंस्टीट्यूट लाइक IIMs। सो
आपने प्रीवियस ईयर का डेटा देखते हो, लाइक स्टूडेंट्स भी या फिर उनके मम्मी पापा या टीचर्स, वो प्रीवियस ईयर डेटा देखते हैं, लाइक IITs से बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, स्टार्टअप्स बिल्ड करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट से, एक इमेज बन जाती है कि IITs में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए वैसा होता है। फिर एक यूटोपियन इमेज बिल्ड होती है स्टूडेंट्स में, वो एक ड्रीम वर्ल्ड एक्सपेक्ट करते हैं। सो जब एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं वो लाइक JEE, उन्हें एक लाइक एक ड्रीम कॉलेज एक्सपेक्टेड होता है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, कैंपस बहुत अच्छा होगा एंड वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे एंड आई रियली लव माई इंस्टीट्यूट एंड आई ऑल्सो मिस माई इंस्टीट्यूट, बिकॉज बुलाते ही नहीं यार कॉलेज में, छोड़ो वो मतलब इंस्टीट्यूट, आई लाइक माई इंस्टीट्यूट बट आई कांट कंपेयर दिस इंस्टीट्यूट विद अदर कॉलेजेस बिकॉज मैं बाकी कॉलेजेस नहीं गया, मैं सिर्फ IIT बॉम्बे गया हूँ। आई कांट कमेंट ऑन द क्वेश्चन इज डज IIT बॉम्बे मेक यू स्मार्टर बिकॉज आई हैवंट इंटरेक्टेड विद द अदर स्टूडेंट्स, लेट्स से कि आई कांट कमेंट ऑन दिस, बट वी नो द रिगरस प्रोसीजर दैट द JEE डज टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट IITs। ये जो हम टेस्ट देते स्टूडेंट्स 2 years और 3 years और इवन 4 years प्रिपेयर करते फॉर JEE मेन एंड एडवांस, द थिंग इज दिस प्रोसीजर ऑफ 3 or 4 years मेक्स यू स्मार्टर बिफोर यू गेट इन टू एन IIT। सो इज द सेम हियर, मतलब इफ यू डोंट गेट स्मार्टर आफ्टर गेटिंग इन टू एन IIT, यू गेट इन टू एन IIT बिकॉज यू आर स्मार्ट। अब मैं इसमें मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ जिनका नहीं होता सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए आई सेड द प्रिपेरेशन मेक्स यू स्मार्ट, यू डोंट नीड टू बी बॉर्न स्मार्ट टू गेट इन टू एन IIT। दिस प्रोसीजर ऑफ स्टडिंग फॉर 3 to 4 years रिगरस प्रोसीजर, मतलब स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब वो नॉर्मल हैंडसेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते एंड इवन इफ दे यूज स्मार्टफोन दे रियली मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन भी, सो दे डू सेक्रीफाइस लाइक दिस एंड स्टडी फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड दिस प्रोसीजर मेक्स देम एबल टू सेक्रीफाइस थिंग्स फॉर देयर गोल्स, दे आर कॉन्फिडेंट, दिस मच ऑफ स्टडी मेक्स देम स्मार्टर। यही होता है, मतलब आप ये एक्सपेक्टेशन करके नहीं आ सकते यार कि मैं IIT में सीखूँगा तो कुछ करते होंगे वहाँ पे जो बाहर के कॉलेजेस में नहीं करते, जिससे मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, जिससे मतलब मेरी रिसर्च परफेक्टली कर पाऊंगा, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, दिस डज नॉट हैपन। मतलब IIT में फैसिलिटीज है, आपको अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे, बट द फैक्ट कि आप IIT में ही जाके स्मार्ट बनोगे, आप बाहर से नहीं बन सकते, इज अ कम्प्लीट लाई, सिमिलर टू द स्विमर्स बॉडी इल्यूजन एंड द फेयरनेस क्रीम इल्यूजन। सो आई सेड कि वो जो प्रोसीजर है 3 to 4 years की, वो आपको स्मार्ट बनाते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्जाम के दिन मतलब लक से बैड है, मतलब फीवर आ गया या कुछ भी हो सकता है एग्जाम के दिन, समझो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ एग्जाम के दिन या उस वीक में या उस मंथ में एंड आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम में, सो आपका किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन होता है जिसकी इमेज IIT जैसी अच्छी नहीं है। इट डजेंट मीन कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा बिकॉज द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी मेड यू स्मार्टर एंड इट डजेंट मैटर इफ यू आर इन IIT और इन एनी अदर कॉलेज, इफ दैट प्रोसीजर हैज़ मेड यू स्मार्टर यू विल सक्सीड ऑब्वियसली। सो या दैट वॉज इट, दैट वॉज माई टेक ऑन दिस क्वेश्चन, मीन्स ये टॉपिक को मैंने क्लिकबेट के लिए बिल्कुल यूज नहीं किया था एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बाद में भी यही IIT के नाम पे व्यू छापूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई मेड दिस चैनल फॉर यू नो स्प्रेडिंग साइंस, साइंटिफिक नॉलेज एंड आई एम ट्राइंग वेल, मतलब मैं अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ एंड अभी से मैं रेगुलर कंटेंट भी इसी फील्ड में यूज करूँगा, साइंस एंड एडुकेशन में and yeah that was it. You can follow me on Instagram, I upload regular guitar covers on my account and you can follow me on Quora, there I write monthly scientific articles. So yeah, that was it, thanks for watching, please sab kara sara kabar sabara karai sara sara whatever.